मॉर्निंग एवरी वन, आई होप यू ऑल वेल एट योर होम। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड डन नंबर चैप्टर नंबर 11 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन अप टू द टॉपिक वाटर ऑन पेज नंबर 120। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक सॉइल, पेज नंबर 120। सॉइल Soil helps to fix plants and help them to absorb water and nutrients. हमें सोइल क्या हेल्प करता है? प्लांट्स को फिक्स करने में हेल्प करता है और पानी और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में। इट इज अ रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस टू सॉइल रिजल्ट इन सॉइल पोल्यूशन। अगर हम हार्मफुल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं सॉइल में तो वो क्या करता है? सॉइल पोल्यूशन। द फार्मर्स जनरली ऐड इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स विच पोल्यूट्स द सॉइल। द प्लांट्स ग्रोन इन सच सॉइल आर फाउंड टू कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स इन मोर और लेस अमाउंट। डिफोरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन। फार्मर्स क्या ऐड करते हैं? इंसेक्ट और पेस्टिसाइड क्रॉप्स को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स जो भी क्या है सॉइल को पोल्यूट करते हैं। तो प्लांट्स जब ऐसे ग्रो होते हैं जिसमें सभी कंपोनेंट्स तो होते हैं ज़्यादा या कम अमाउंट में, पर वो क्या करते हैं? डीफोरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन। देखो, सी इन द पिक्चर, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स स्पॉइल द सॉइल। ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने से सॉइल क्या क्या होती है? सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है, स्पॉइल हो जाती है। कटिंग ऑफ ट्रीज लीड टू सॉइल इरोजन। अगर हम ट्रीज कट कर देते हैं वो भी सॉइल इरोजन करता है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? द रिसोर्सेज विल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज विल रन आउट ऑफ टाइम। इट इज़ यूज इफ यूज केयरलेसली, हैंस वी शुड यूज दैम जुडिशली। दीज रिसोर्सेज टेक लॉन्ग टाइम टू फॉर्म। अगर हम इसकी ज़्यादा यूज करेंगे केयरलेसली तो ये क्या है? ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें इसकी ढंग से यूज़ करनी चाहिए। These resources take a long time to form. इसे बनने में बहुत टाइम सालों लग जाते हैं, इसलिए हमें इसे ढंग से इसकी यूज़ करनी चाहिए। The resources that exhaust easily and do not last for a long period of time are known as exhaustible resources. जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होती उसे हमें बोलते हैं exhaustible resources. Next है fossil fuels. Plants and animals बिच वर वंस लिविंग गॉट बरीड अंडर द अर्थ। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दे गॉट कन्वर्टेड इंटू कम्बस्टिबल सब्सटेंस कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। बहुत सालों पहले क्या हुआ था, प्लांट्स एंड एनिमल्स अर्थ के नीचे ही दब गए थे। वो क्या है? धीरे धीरे वहीं सड़ते रहे। तो इससे क्या है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए? कम्बस्टिबल सब्सटेंस कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। इसके एग्जांपल है कोल एंड पेट्रोलियम। ये देखो, ये थे एनिमल्स, जब ये डाइड मर गए तो अर्थ के नीचे ही दब गए। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो इसके एनिमल्स के डेड मैटर था, डिकेइंग मैटर था, जो भी प्लांट्स का, एनिमल्स का या ह्यूमन बींग्स का, तो वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया? कोल एंड पेट्रोलियम में। टुडे वी यूज पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर रनिंग व्हीकल्स, ऑपरेटिंग मशीन्स एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन द कंजप्शन of these fuels have hugely increased. If it is consumed at the same rate
दीज फॉसिल फ्यूल्स विल एग्जॉस्ट। आजकल हम पेट्रोलियम की यूज़ कर रहे हैं व्हीकल्स को रन करने के लिए, मशीन्स में भी हम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग में भी। ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब हम पता है कि पॉपुलेशन दिन ब दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, तो इसकी कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो रही है। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो इसकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है। इफ़ इट इज़ कंज्यूम्ड एट द सेम रेट, अगर इसी तरह से हम इसे यूज़ करते गए तो ये क्या है, देन दीज फॉसिल फ्यूल्स विल एग्जॉस्ट। तो ये फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इसके केयरलेसली यूज़ करते गए। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज की यूज़ हमेशा ढंग से करनी चाहिए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट क्या होते हैं, जंगल। फॉरेस्ट आर रिच सोर्स ऑफ मैनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट, दे प्रोवाइड अस फूड, मेडिसिन, फ्रूट्स, वुड, लेदर, रबर एक्स्ट्रा। हमें पता है कि फॉरेस्ट क्या है, रिच सोर्स है बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स की। ये हमें क्या देते हैं, फूड, मेडिसिन देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वुड देते हैं, लकड़ी, लेदर, रबर। देखो पिक्चर में, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद फूड मटीरियल, ये क्या है, फूड, हमें फूड देते हैं, रबर देते हैं, गम्स, रेजिन्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। एनिमल हाइड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पर्स, शूज एक्स्ट्रा। ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन पोल्यूशन, मोर एंड मोर लैंड इज नीडेड फॉर कल्टीवेशन। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मोर लैंड इज नीडेड फॉर कल्टीवेशन, हैंस मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज क्लियर्ड एंड मेड इन टू कल्टीवेबल लैंड। इट इज इफ इट कॉन्टिन्यूज टू हैपन देन इन नियर फ्यूचर वी विल बी लेफ्ट विद नो फॉरेस्ट। हमें पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने रहने के लिए, जगह बनाने के लिए फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हम कट करते रहे, अगर यही कुछ चलता रहा तो फ्यूचर में क्या है, हमारे पास कोई भी फॉरेस्ट नहीं रहेंगे। तो अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे फिर हमें फूड, मेडिसिन, रेजिन, गम्स कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए हमें फॉरेस्ट को ऐसे कट नहीं करना चाहिए अपने रहने के लिए। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमें नेचुरल रिसोर्सेज की कैसे कंजर्वेशन करनी चाहिए और इसे कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो गई है, इट इज़ स्टिल इंक्रीजिंग टूडे, वी नीड मोर रिसोर्सेज देन अवर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स एज वी हैव प्रोग्रेस्ड। हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और अभी भी आज भी इंक्रीज हो रही है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। किससे ज़्यादा, जैसे हमारे फादर्स ग्रैंडफादर से, उन्हें इतनी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं थी जितनी आज के इस पॉपुलेशन को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं वैसे वैसे ही हमारी नीड्स, रिसोर्सेज की नीड्स भी बढ़ रही हैं। अब रिक्वायरमेंट्स हैव गोन अप, वी नीड मोर बिल्डिंग मटीरियल सच एज वुड, आयरन, ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी नीड्स बढ़ रही हैं, तो आजकल क्या है, वी नीड मोर बिल्डिंग मटीरियल्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग मटीरियल्स चाहिए, जैसे वुड, आयरन, ब्रिक, सीमेंट। We need more fossil fuels such as coal and petroleum that comes from earth. ज़्यादा से ज़्यादा हमें fossil fuels भी चाहिए, coal, petroleum. We need more water for bathing, cooking, extra. नहाने के लिए, cook करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ रही है. More soil for cultivation. ज़्यादा soil भी चाहिए crops grow करने के लिए. Thus, if it the rate of consumption exceeds the rate of production, the substances will exhaust and we will be left with very less resources which will not
फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। हाँ जी, अगर ये कंजप्शन का रेट क्या है कम हो गया देन प्रोडक्शन से, तो सब्सटेंसेस क्या है एग्जॉस्ट हो जाएंगी, मतलब इसकी कमी हो जाएगी, तो हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज बच जाएंगी जो हमारी डिमांड्स जो हैं या फिर ग्रोइंग पॉपुलेशन की जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल नहीं कर सकेगी। तो इसलिए हमें अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करनी चाहिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अप टू द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।